हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे मूंग दाल के पकौड़े। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मूंग दाल के पकौड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने 2 कप मूंग दाल ली है। हम इसे 4 से 5 घंटे तक पानी में भिगो देंगे। एक कप चावल लिया है, इसे भी 4 से 5 घंटे तक धुल करके भीगने के लिए रख देंगे। हमारे चावल फूल करके तैयार हो चुके हैं। मैंने इसका पानी निकाल दिया है। अब मैं इसे एक जार में डाल करके पीस लेती हूँ। ये हमारी मूंग दाल ये भी भीग करके तैयार हो चुकी है फूल करके। अब इसे भी मैं एक जार में डाल करके बारीक पीस लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमें और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन की 8 से 10 कलियाँ, हींग, गरम मसाला, हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, मैंने यहाँ 2 हरी मिर्च का यूज किया है, बेसन 1/2 कटोरी, इसका हम ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे, काली मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट लिया है। ये हमारे मसाले तैयार हो चुके हैं। अब मैं एक जार में राइस को डाल देती हूँ और इसका बारीक पेस्ट बना लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इससे पकौड़ों में क्रंचीपन आता है, इसलिए हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास चावल का आटा हो तो उसका यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ। अब हम इसका बारीक पेस्ट बना लेती हैं। देखो ये दोस्तों, हमारा बारीक पेस्ट बन करके तैयार हो चुका है। अब हम मूंग दाल का बारीक पेस्ट बना लेते हैं। मैंने इसमें लहसुन की कलियाँ डाल दी और ये चावल का पेस्ट भी इसमें डाल दिया। इससे आसानी से दाल पिस जाएगी और चावल भी आसानी से दाल में मिक्स हो जाएगा। अब हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी दाल पिस करके अच्छे से रेडी हो चुकी है। हम इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी दाल रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को कद्दूकस कर लिया है और इसका पानी अच्छे से निकाल दिया है। ये पानी, आलू पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ नमक डाला है स्वाद अनुसार। हींग 2 चुटकी के बराबर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा, काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा। अब इन सभी मसालों को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक मिक्स करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लफी पकौड़े बन करके तैयार होते हैं। आप जितना ज़्यादा फेटेंगे उतने ही अच्छे पकौड़े बनेंगे दोस्तों। अब हम इसमें प्याज डालते हैं। अब इसमें प्याज डाल लेते हैं और कद्दूकस किया हुआ आलू भी ऐड कर लेते हैं। हरी मिर्च डालते हैं, क्योंकि हमने इसमें नमक पहले ही डाल रखा है, इसलिए सारी सामग्रियों को डाल करके हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर आ जाए। फिर हम इसमें बेसन को ज़रूरत के हिसाब से मिक्स करेंगे, जिससे हमारा डो ज़्यादा गीला नहीं हो। इस तरीके से दोस्तों, हमने सारा का सारा कसा हुआ आलू इसमें डाल दिया है। अब हम सब सामग्रियों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम सभी सामग्रियों को 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। इसमें से पानी निकल आया है, हम ज़रूरत के हिसाब से, मैंने यहाँ 3 चम्मच के लगभग बेसन डाला है। अगर आपका डो ज़्यादा गीला लगता है तो आप उसमें ज़्यादा बेसन ऐड कर सकते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करते हैं। मैंने यहाँ गैस पर कढ़ाई को रख दिया है और उसमें पाइन ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए। देखिए, देखते हैं दोस्तों, हमारा ऑयल गर्म हो गया है कि नहीं। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकौड़े बना बना के डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं पकौड़े। हम इस तरह से लंबे आकार में
पकौड़ों को शेप देकर बनाएंगे। इस तरह से हमें सभी पकौड़ों को बना लेना है। इस तरीके से हम सभी पकौड़ों को बना करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे पकौड़े बन करके रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रंची और टेस्टी पकौड़े बने हैं। मूंग दाल के पकौड़े वैसे भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही हेल्दी होता है मूंग दाल। आप इसे कभी भी खा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे पकौड़े बन करके रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, ये कितने क्रंची बने हैं, आप इसे पता लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, बाहर से जितने क्रंची हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी और अच्छे पकौड़े बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, और मूंग दाल के बने हुए हैं तो ऐसे भी बहुत हेल्दी हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।